एविएशन सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी डील। टाटा सन्स की एयर इंडिया ने कर दिया कमाल। अब एक बार फिर दुनिया में बजा भारत का डंका। भारत के एविएशन सेक्टर के लिए अब तक की सबसे बड़ी डील करके एयर इंडिया ने साफ कर दिया है कि उसकी योजनाएं काफी बड़ी हैं और इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। आपको बता दें, एयर इंडिया ने एविएशन इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डील क्रैक कर ली है। एयरलाइन ने एयरबस और बोइंग को कुल मिलाकर 470 विमानों का ऑर्डर दे दिया है। एयर इंडिया ने विमानों के लिए ऐतिहासिक सौदा करके भारत के विमानन सेक्टर के लिए बेहद बड़ा क्षितिज खोल दिया है। इसके अलावा एयर इंडिया अमेरिका की कंपनी बोइंग से 220 विमान खरीदने जा रही है। अभी एयरबस के भारत में 470 कमर्शियल फ्लाइट है। एयर इंडिया के नए ऑर्डर के बाद भारत में एयरबस के पास कुल 850 विमानों का ऑर्डर हो गया है। ये सौदा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चार देशों के प्रमुखों ने आपस में बधाई जारी की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक दूसरे को बधाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की एक घोषणा के मुताबिक बोइंग और एयर इंडिया के समझौते पर पहुंचे हैं, जिसके तहत एयर इंडिया बोइंग से $34 अरब में 220 विमान खरीदेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील के बाद ट्वीट किया, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो को बधाई दी और कहा कि इस डील से दोनों देशों को फायदा होने वाला है। बोइंग एयरप्लेन्स ने भी इस डील पर ट्वीट किया है और एयर इंडिया का स्वागत किया है। ये सौदा पूरे $34 अरब का होगा और करीब 6.40 लाख करोड़ रुपए सौदे के लिए खर्च किए जाएंगे। एयर इंडिया अपने बड़े और परिचालन का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। 17 साल में यह पहला मौका है जबकि एयर इंडिया विमान खरीद के ऑर्डर देने जा रही है। टाटा समूह के समावित्व में आने के बाद यह एयर इंडिया का पहला ऑर्डर होगा। 27 जनवरी 2022 को टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा था। इस डील में 17 साल पहले एयर इंडिया ने एयरक्राफ्ट खरीदने का इतना बड़ा ऑर्डर दिया था। इससे पहले साल 2005 में 111 विमान के खरीद का ऑर्डर दिया गया था। इसमें 68 विमानों का ऑर्डर बोइंग का, 43 का एयरबस का था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समझौते की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। बाइडेन ने कहा कि मुझे आज एयर इंडिया और बोइंग के बीच हुए समझौते और खरीद की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। बाइडेन ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर वे भारत और अमेरिका के बीच के संबंध को और गहरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। इस सौदे के जरिए इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। एयर इंडिया ने बोइंग के साथ 250 विमानों की डील की है। कंपनी एयर इंडिया को मैक्स एयरक्राफ्ट के 190 विमान, 787 ड्रीम लाइनर के 20 सौंपेगी। इसके अलावा अन्य कैटेगरी के विमानों का भी ऑर्डर लिया गया है। एयरबस ने कहा कि वो एयर इंडिया को पहले A350 प्लेन की आपूर्ति इस साल के आखिर तक करेगी। एयर इंडिया ने एयरबस से जिन 250 विमान खरीदने की घोषणा की है, उनमें से 40 बड़े आकार के विमान होंगे। इसके साथ ही यूरोपीय विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी की भारत के बड़े साइज के एयरक्राफ्ट सेगमेंट में वापसी हुई है। एयरबस भारत और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक रेमी मेलार्ड ने कहा कि कंपनी को इस बात पर गर्व है कि टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए A350 A320 विमानों का चयन किया। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ऑर्डर दर्शाता है कि भारत का विमानन क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। तो आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।